दुनिया भर के हर पठान तक इस वीडियो को पहुंचा दिया जाए, क्योंकि एक लड़की जो कि धर्म से हिंदू है पर दिल उसका पठानों के लिए धड़कता है। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मुझे ना जो पठान कल्चर है, जो ज़मीनी सोफे हैं, जो मेहमान नवाजी है, जो लड़कों की शाइनेस है, वह शर्माते हैं पठान लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज उन्हीं की खिदमत में मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री का वीडियो है जो कि बहुत छोटा सा है, 6-6.5 मिनट का है, जिसके अंदर उनकी जो हिस्ट्री रही है, जो उनका रिच कल्चर रहा है, वो हमको बता देंगे। ये जो पठानी कौम है, ये इमर्ज कैसे हुई? हु आर द रियल पठान्स? जैसे कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, तो हम वो लोग हैं जो पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को ज्ञान देते थे और अपनी रोजी रोटी चलाते थे उसी ज्ञान को दे करके। तो वैसे ही पठान कौन है, इस वीडियो को देखने के बाद हम सब कुछ जान जाएंगे। मुझे ऑलरेडी पठान बहुत अच्छे लगते हैं, इंडिया में रहती हूँ, यहाँ पे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स बहुत सारे, पर पठान कोई भी नहीं है। तो प्लीज़ ना, इंडिया के जिस भी हिस्से से अगर कोई पठान देख रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। ऑब्वियसली केपी के अपने स्वाद के पठान वो तो देखते ही हैं। आई हैव रियली सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू पीपल, स्पेशली फॉर द हॉस्पिटैलिटी। तो चलिए, ढेर सारी गुफ्तगू आपसे करनी है, पर इस वीडियो को देखने के बाद तो पता नहीं मैं कितनी जज्बाती हो जाऊंगी। अभी ऑलरेडी मैं इतने ज़्यादा जज्बात निछावर करे दे रही हूँ, क्योंकि देखो प्यार में ऐसा ही होता है। Discover the world, I don't know what's written in Urdu, आप लोग बता सकते हो उर्दू में क्या लिखा था। देखिए वो ऐसा, this is going to be massive, it's going to be grand. डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज्जिज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों, पठान को अफगान कहते हैं। yes. अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था। अच्छा। और उनको जिनात की जुबान से प्यार हो गया था, तो उन्होंने अपने वालिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिनात को कहिए कि मुझे अपनी जुबान सिखाए। अच्छा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरख्वास्त कबूल की और जिनात को हुक्म दिया कि अफगान को जिनात की जुबान सिखाई जाए। वो जुबान बाद में पख्तून के नाम से पहचानी गई। पठान की असलियत और कौमियत के बारे में जो दलायल हैं, वो ये कि पठान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है, और कौमियत से बनी इसराइल है। अंग्रेज मुअर्रिखीन लिखते हैं कि पठान कौम अर्जीनिया के एक हिस्से में रहते थे, और अर्जीनिया के लोगों का दावा है कि अफगान कौम या पठान हम में से है, क्योंकि अल्बानिया के अफगान जो कि बाद में अफगान बने, अर्जीनिया से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। और मुर्खीन लिखते हैं कि इसराइल कबाइल बहुत तकालीफ और मुसीबतों के बाद अफगानिस्तान में आबाद हो गए। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो उस वक्त पठान कौम का सरदार, जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था, अपने पूरे खानदान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में हाजिर हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। इसलिए दुनिया भर में जहाँ भी पख्तून होंगे वो मुसलमान होंगे। yes. दुनिया में पख्तून ही वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अगर पख्तून से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब होगा कि मैं 5000 साल से पख्तून हूँ और 1400 साल पहले मुसलमान हूँ। अच्छा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो जब काफिरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि जाओ अपने अफगानियों को जिहाद के लिए बुलाओ। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुल रशीद को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इरसाल किया। कैस अब्दुल रशीद की कयादत में लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। शाम को सहाबा कराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि अफगानी लश्कर ने आते ही काफिरों का कत्लेआम शुरू कर दिया और तमाम काफिरों का खात्मा कर दिया और मक्का मुकरमा को अफगानियों ने फतह कर लिया। तो उसी लम्हे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर ये अल्फाज आए, बतान। खवातीनों हजरात, बतान लफ्ज अरबी जुबान का लफ्ज है, यानी सख्त तरीन लकड़ी जो समंदरी जहाजों में लगाई जाती है, जिसे समंदरी पानी भी कमजोर नहीं कर सकता। ये लफ्ज जब बरे सगीर पहुंचा तो बतान से पठान हो गया। और अगर इनकी तारीख का तकाबुली जायजा लिया जाए, तो फारसी में पश्तून, मुकामी जुबान में पख्तून और उर्दू में पठान। ये कौम दुनिया भर में फैली हुई एक गैरतमंद कौम के तौर पर गर्दानी जाती है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अव्वल नंबर पर है।
दुनिया में पश्तून अपनी वफा और गैरत के नाम से जाने जाते हैं। लफ्ज पश्तून का मतलब होता है गैरत व वफा वाला और अपनी इज्जत और दीन पर मर मिटने वाला।